आरोन से 20 किलोमीटर दूर ग्राम खेर खेड़ी के शासकीय तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार आरोन तहसील के ग्राम खेर खेड़ी गांव में 3 बच्चे तालाब में नहा रहे थे। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि तीनों बच्चे तालाब में डूब गए हैं। हादसे का शिकार हुई मोनिका, करण और अनिकेत की चाची सीमा बाई उन्हें बचाने पहुंची, लेकिन इस प्रयास में वो खुद भी डूब गई और उसकी भी तालाब में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद तालाब पर भारी भीड़ जमा हो गई। तालाब के बगल में एक प्रजापति समाज का मकान है रामचरण का, उसके 2 बच्चे और एक भतीजा और उसकी बहू वहाँ स्नान करने तालाब के पास गए थे जी। ये घटना 12:30 बजे की है। तो इस दौरान नहाते समय 3 बच्चे, जिसमें एक बालिका है और 2 बच्चे, उनको बचाने के लिए उनकी चाची सीमा बाई, वाइफ ऑफ मिथुन, उम्र करीबन 22 साल के करीब है, इनकी डूबने से दुखद मौत हो गई। मर कायम कर लिया गया चारों का, जिसको जांच में ले लिया गया और सभी शवों को PM कराने के पश्चात अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द किए जा रहे हैं। तो मोड़ा मोड़ी भीतर चलेगा, मैंने पकड़ भी गई मोड़ी मोड़ा मोड़ी नहीं भाऊ भगू और गोचा खान लगी, तो एक भगू और गई तो आदमी तो और गए। तो तालाब था, तालाब में पानी भर रहा था, नहाने धोने गए थे, इसके चलते मतलब यह हादसा हो गया। और तो कितने बच्चे हैं इसमें जो खत्म हुए हैं? 3 बच्चे हैं, एक भाऊ है। अच्छा, 2 लड़का है और एक लड़की है और एक भाऊ है मेरी। अच्छा, कितने बजे की बात है आज की? 12:30 बजे की बात है। अच्छा, हादसे के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, आरोन।